meeting is being recorded. आशीर बेटा कैमरा बंद करो अपना। ये बेटा ये AAP नाम चेंज कर लो वरना मुझे रिमूव करना पड़ेगा। आप जो लिखा है ना नाम चेंज कर लो वरना मुझे खामखा रिमूव करना पड़ जाएगा तुम्हें। यस जनाब आगे बढ़ाते टॉपिक। तो ये मैं इसको मूव करता हूँ आगे आगे जो और टॉपिक्स हैं स्पीड से उस पर लेके आते हैं। SSD मैंने बता दिया था ये हमारी हार्ड ड्राइव होती है, इसमें रोटेशनल पार्ट्स होते हैं। ये हमारी SSD होती है, इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते और ये फास्ट होती है। ये हमारी हार्ड ड्राइव से बहुत फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है। ठीक है जनाब, कुछ लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं कर सकें क्लास। तुम लोग मुझे माइक भी म्यूट करने पड़ेंगे ना। चलो ये इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा SSD था, जरा सा इन टॉपिक को पढ़ लेना। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो रैम रोम होती है, और उसके बाद समटाइम वो हार्ड ड्राइव या SSD के बारे में पूछ लेते हैं, या कभी वो CDs के बारे में पूछ लेते हैं, CD या DVD। जनाब अली आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके हम। ऑप्टिकल डिस्क तुम लोग पता है लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करती है। देखो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप ये काम करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी, लाइट टेक्नोलॉजी ऑल आर सेम। लेज़र बीम होती है वो जाके स्ट्राइक करती है, रिस्पॉन्स करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो ये लेज़र पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं इसको देना नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि मेरे पास और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं अभी। आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस में। वो डिवाइसेस जो डाटा इनपुट करती हैं कंप्यूटर होती हैं उनको इनपुट कहते हैं, जो कंप्यूटर से डाटा लेती हैं उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें कीबोर्ड सबको पता है प्राइमरी टेक्सचुअल इनपुट डिवाइस है, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं बेटा, जो स्क्रीन पे पॉइंट आउट करती है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस में आती हैं। माइक्रोफोन, वेबकैम, इनपुट डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं वो है स्कैनर्स। स्कैनर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बारकोड रीडर और QR कोड रीडर। ये दो लाजमी बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना, इनका फंक्शन, इनके एडवांटेजेस, इनके डिफरेंसेस कोशिश करना। मैंने इस प्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस भी रखे हुए हैं, नहीं होगा कोई मसला थोड़ी है। गूगल ड्राइव पे उस पर जाओ, गूगल के ऊपर यूं सेकंड के अंदर मिलता है। तो भाई कोई भी टॉपिक ऐसा हो आपको फाइंड आउट ना हो रहा, आप गूगल लिखो सेकंडों में आ जाएगा। हम कौन सा खुद बैठ के टाइप करते हैं, खुद बैठ के लिखते हैं, जितने भी टीचर्स हैं दुनिया में अब वो नेट से रिसर्च करते हैं और वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल और फिर अपने हिसाब से कंपाइल करते हैं, उनको कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ एक्सपर्टीज़ होती है हमारी कि कहाँ से कौन सी वेबसाइट से क्या उठाना है, किस वेबसाइट से क्या बात। बिल्कुल बेटा जाफरी आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है। बार कोड का ऑपरेशन आता है, कैसे रीड करता है, QR कोड का ऑपरेशन आता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा मैं। बार कोड सबसे पहले आते हैं बार कोड के ऊपर। देखो बार कोड क्या होता है, आप सबको पता है कि जब हम जाते हैं मार्ट वगैरह में तो हमारी वहाँ बिलिंग होती है बार कोड से। लेट्स सपोज मैंने मार्कर परचेज किया, अब ये मार्कर जाएगा सीधा किसके पास, बार कोड रीडर सामने, वो इस पर रेस फायर करेगा। रेस जाके टकराएंगी ब्लैक लाइंस के ऊपर और वाइट लाइंस के ऊपर। ब्लैक लाइंस उन रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगी,
जो बीच बीच में वाइट लाइन है वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगी। तो क्या होगा, कुछ रेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी या ज़रा कम रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रेस पूरी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो वो उस रिफ्लेक्शन को कन्वर्ट करता है कोड्स के अंदर, बाइनरी कोड्स के अंदर, और फिर जाता है वो कोड लेके डेटाबेस के अंदर, वहाँ से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये बार कोड जो है किस प्रोडक्ट का है। फिर वहाँ से वो डाटा उठाता है, लेट्स सपोज उसको बार कोड मिला मार्कर का, तो पहले इम्तियाज़ के पास से वो एक मार्कर माइनस करेगा कि भाई, यानी साथ साथ वो स्टॉक भी अपडेट कर रहा होता है ना, तो पहले एक मार्कर माइनस करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि इम्तियाज़ के पास अब मार्कर कितने रह गए। अगर इम्तियाज़ ने कहा हुआ था कि भाई, इम्तियाज़ ने वहाँ एक प्री स्टोर्ड वैल्यू डाली हुई थी कि अगर मार्कर की क्वांटिटी 50 से कम रह जाए तो भाई कंपनी को ऑर्डर दे देना कि अगले मार्कर का पैकेट इम्तियाज़ में भिजवा दो, डिस्पैच कर दो। तो जब बार कोड रीडर ने मेरे मार्कर को रीड किया तो ना से उसने पहले वहाँ से जाके एक मार्कर माइनस किया, तो 40 या 50 थे लेट सपोज, माइनस मान लो कि 49 हो गए, फिर चेक करेगा कितने मार्कर होंगे इम्तियाज़ में, तो आगे मेल करनी है कंपनी को। उसने कहा भाई वहाँ तो स्टोर ये वैल्यू है, ऑर्डर लेवल का जो स्टोर वैल्यू है, प्री स्टोर वैल्यू वो है लेस देन 50। तो चूंकि मैंने एक मार्कर परचेस कर लिया, वहाँ 50 थे, माइनस वन हो गए 49 हो गए, तो फौरन वो ऑर्डर भी सॉफ्टवेयर खुद कर देगा उस कंपनी को जो कंपनी मार्कर प्रोवाइड करेगी इम्तियाज़ को, और उसके बाद मेरे बिल के अंदर एक मार्कर ऐड हो जाएगा। ये सारा काम हुआ है, ये सारा काम उस आधे सेकंड में प्रोसेस हुआ है जिस आधे सेकंड में बार कोड को सामने लाते ही एक बीप बजती है। ये मैं सामने लाऊंगा, टूट करके बीप बजी, उस बीप के दौरान ये सारे काम हो चुके थे। अब मेरे भाई को कस्टमर आया, उसने मार्कर परचेस किया, तो अब चूंकि मार्कर एक और परचेस किया तो अब मार्कर माइनस होने के बाद 48 रह जाएंगे, और इम्तियाज़ ने कहा था जब 50 से कम मार्कर रहे हैं तो कंपनी को ऑर्डर कर देना। ऑर्डर मेरे मार्कर परचेस करने पे 49 हो गया था और ऑर्डर जा चुका है। तो अब बार कोड का सॉफ्टवेयर ये भी चेक करेगा कि भाई मार्कर तो 48 रह गए, क्या पहले ऑर्डर फॉरवर्ड हो चुका है? यस, तो वो अब दोबारा ऑर्डर नहीं करेगा क्योंकि ऑर्डर जा चुका है। तो ये सारा काम करता है बार कोड। बार कोड अच्छी तरह याद कर लेना, बार कोड का एक क्वेश्चन फ्लो चार्ट फॉर्म में भी आता है कि आपको स्टेप लिखने होते हैं, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। ऑप्टिकल OCR, आप किसी भी पिक्चर्स में से, किसी इमेज में से, किसी बुक में से डायरेक्ट कैरेक्टर्स को अलग कर सकते हैं। OCR करता है क्या है, कैरेक्टर्स को रीड करता है, कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तुम लोग जो MCQs देते हो उसमें ग्रिड बबल शीट में तुम लोग आंसर मार्क करते हो, ए ऑप्शन सही है या बी सही है, सी सही है, इस तरह के जितने भी पेपर चेकिंग होती है, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो टॉफिल हो, चाहे वो CI की मार्किंग हो या वो आ खान बोर्ड की ई मार्किंग हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने के लिए जो मशीन होती है उसको हम OMR कहते हैं। देखो सामने मशीन में दिखा रहे हैं कि उस मशीन में से ये बबल शीट जो है पास हो रही है, तो मशीन जो है इस पर रेस फायर कर रही है और वो रेस जाके चेक कर रही है कि आपने किस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन को मार्क नहीं किया। यानी होगा क्या, रेस फायर होंगी, लेट्स सपोज ABCD ऑप्शन था, तो ए ऑप्शन को आपने मार्क किया ब्लैक कलर से, तो ए का जो ऑप्शन है वो रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, BCD रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो इसको आइडेंटिफाई करेगा भाई कौन से ऑप्शन ने रिफ्लेक्शन नहीं की। तो आइडेंटिफाई करेगा भाई ए ने रिफ्लेक्शन नहीं की, बाकी तीन ने रेस रिफ्लेक्ट कर दी, इसका मतलब है बच्चे ने आंसर लिखा हुआ ए। मशीन कनेक्टेड होती है सिस्टम से, सिस्टम के अंदर पूरा डाटा चल रहा होता है कि भाई पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, तो वहाँ से वो आंसर वेरीफाई कर लेगा और आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट दे देगा। ये शीट पास होगी और आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा भाई कि आपके 40 में से 39 मार्क्स आए इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा OMR है, ये हमारा OMR है। अब आता है हमारे पास MICR, बहुत एग्जाम में नहीं आता MICR, सुन लो खाली। चेक के नीचे देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए, ये कैरेक्टर जो है MICR के थ्रू चेक होते हैं। जिस तरह बार कोड चेक होता है बार कोड रीडर से, हमारा ATM या डेबिट कार्ड चेक करता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर से। अगर आपका चेक गया बैंक और बैंक वालों को डाउट हुआ चेक आपका बोगस है, चेक आपका फेक है,
तो वो इस चेक को MICR से पास करेंगे। MICR इन कैरेक्टर्स के ऊपर रेस फायर करेगा, इन कैरेक्टर्स के अंदर पूरा चेक होल्डर का अकाउंट होल्डर का डाटा हाइड हुआ है। जैसी वो रेस फायर होंगी ना, वो जाके इसमें से रखे हुए डाटा को पढ़ेंगी और वेरीफाई कर देंगी कि हाँ चेक जेन्युइन है। और अगर चेक फेक होगा, जब रेस फायर होंगी तो रेस को रिजल्ट के तौर पे कोई डाटा नहीं मिलेगा, तो वो बता देंगी नो डाटा नो या एरर, तो उससे बैंक वाले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चेक बोगस है, चेक फेक है, दो नंबर है। ठीक है, ये MICR भी बहुत नहीं पूछता CI, मगर कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। क्यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडवांस वर्जन है बार कोड का। बार कोड का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने अंदर सिर्फ टेक्स्ट स्टोर करता है। मैंने इसका बार कोड स्कैन कराया, ये बता देगा मार्कर जिस कंपनी का है, कितने रुपए का है और इसका कोड क्या है। पास QR कोड जो है ना, वो अपने अंदर कंपनी का पूरा प्रोफाइल, उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियो सब स्टोर करता है। QR कोड के अंदर एक चीज़ याद ना, CI नहीं पूछता, बता रहा हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए। आमतौर पर QR कोड में देखना है तीन स्क्वायर्स होते हैं, ये तीन स्क्वायर होते हैं बड़े और बाकी स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ये स्क्वायर से ना आपका QR रीडर जो है वो उसकी अलाइनमेंट चेक करता है। लेट्स सपोज मैं मोबाइल से स्कैन कर रहा हूँ QR को, मैंने मोबाइल घुमा दिया, कभी मोबाइल ऐसे स्कैन कर रहा हूँ, कभी मोबाइल ऐसे स्कैन कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल का जो QR कोड का स्कैनर है ना, वो इन तीन बिग स्क्वायर से आइडेंटिफाई करेगा कि इस कोड की एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी है, उसके बाद जाके वो उसको स्कैन करेगा। इसमें भी वो होता है कि ब्लैक स्क्वायर उन लाइट जो मैं रेस फायर होती हैं, वो उन ब्लैक स्क्वायर वो रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाइट स्क्वायर रिफ्लेक्ट कर देते हैं और फिर वो जाता है डाटा में कन्वर्ट होके और फिर आगे वो। तो QR कोड का फ़ायदा क्या है, मैंने एक विजिटिंग कार्ड बनाया, उसमें मैंने नाम लिखा आदिल रशीद, कंपनी का नाम लिखा, टेलीफोन नंबर लिखा अपना, बस, और एक छोटा सा कोने में QR कोड दे दिया। अब मैंने कार्ड दे दिए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब किसी ने मेरी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो कार्ड उठाएगा, उस कार्ड के QR कोड पे खाली स्कैन करेगा, QR कोड उस QR कोड में छुपे हुए सारे डाटा के जरिए उसकी वेबसाइट पे कनेक्ट करेगा, उसकी फेसबुक पेज पे कनेक्ट करेगा, वहाँ रखा हुआ सारा स्टफ़ मैं अपने मोबाइल पे उनकी वेबसाइट पे रखा सारा स्टफ़ देख सकता हूँ। तुम सबको एक्सपीरियंस है इस बात का, जब तुम लोग जाते हो जिसमें व्हाट्सएप पे, जब तुम कंप्यूटर में व्हाट्सएप खोलते हो तो तुम लोग यही करते हो, तुम्हारे कंप्यूटर में QR कोड आता है, तुम लोग उससे फिर वो उसको आगे प्रोसेस करते हो, तो फिर आपका आपका व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर में खुल जाता है और फिर आपके कंप्यूटर में आपकी वीडियोस, चैट्स, ऑडियोस, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस सब आ रहे होते हैं। ठीक है, तो QR कोड बार कोड को ज़रूर ज़रूर अच्छी तरह पढ़ लेना, उसके फीचर्स पढ़ लेना, और अगर ये डिफरेंसेस याद कर सको डिफरेंसेस भी याद कर लेना। मैंने दिए हैं इसके अंदर, फ्लैट बेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ। फ्लैट बेड जो जस्ट लाइक फ्लैट इतना फ्लैट बेड जस्ट लाइक बेड, या आमतौर पर फोटोग्राफ, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। फ्लैट बेड के अंदर एक और आता है शीट पैड स्कैनर, ये सिंगल सिंगल शीट्स के लिए होता है, कोई बड़ी शीट है, छोटी शीट है। शीट पैड और फ्लैट बेड में बेसिक डिफरेंस ये होता है, फ्लैट बेड में आप पूरी पूरी बुक फोल्ड करके रख दो स्कैन कर लेगा, जिस तरह हम फोटो कॉपी करवाते हैं। शीट पैड के अंदर सिंगल सिंगल शीट्स होती हैं, ठीक है, वो सिंगल सिंगल शीट उसमें ट्रांसफर होती हैं, इसलिए हम कहते हैं शीट पैड स्कैनर। ठीक है, थ्री डी स्कैनर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा बहुत। थ्री डी स्कैनर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री से स्कैन करता है। सामने एनिमल रखा हुआ है, इसका नाम लेना नहीं चाह रहा मैं, ये एनिमल इस प्लेट पर रोटेट होगा, प्लेट रोटेट होगी, एनिमल घूमेगा, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वॉल बनी है ब्लैक कलर की, उसमें से रेड कलर की लेजर की रेज देखो एनिमल पर फायर हुई हुई है, तो जब ये घूमेगी ना प्लेट तो ये एनिमल रोटेट होगा, तो ये लेजर की रेज को हर एंगल से स्कैन कर लेंगी और कंप्यूटर में ये 3D ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मशीन के ज़रिए इस ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल मॉडल्स, मल्टीपल पीसेस मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3D पढ़ लेना, आ सकता है एग्जाम में, बहुत नहीं आता बट आ सकता है। सेंसर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेंसर्स वो डिवाइसेस होती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि फिजिकली इन्वायरमेंट से डाटा को एक्सट्रैक्ट करती हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, वेट सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, अप्रॉक्सीमिटी सेंसर है, लाइट सेंसर है, ये सारे सेंसर होते हैं जो इन्वायरमेंट से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म में। द
दुनिया में सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सेंसर जो डाटा इनपुट लेते हैं वो एनालॉग फॉर्म में लेते हैं। अब सेंसर की आपके पास टाइप्स याद होनी चाहिए आपको। जैसे सारे सेंसर दिए हैं, मोशन सेंसर जिसको हम इंफ्रारेड सेंसर कहते हैं, मूवमेंट को सेंस करता है, ऑटोमेटिक डोर्स कंट्रोल करता है, बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज होता है, कोई चोर आ गया तो जैसी मूवमेंट होगी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, गेमिंग सिस्टम के अंदर काउंटिंग के भाई नंबर ऑफ कार्स कितनी जा रही हैं, सामने कितने लोग जा रहे हैं, या आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक में कितने आपके स्टेप्स चल रहे हैं, ये सब जो है इंफ्रारेड मोशन सेंसर में आता है। इनकी बिजली एप्लीकेशन है ये। टेम्परेचर सेंसर को लाजमी पढ़ लेना कहाँ कहाँ यूज होता है, साउंड सेंसर पढ़ लेना कहाँ कहाँ यूज होता है, मैंने दिया हुआ है पूरा इसके अंदर, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं टाइम बचा रहा हूँ ताकि मैं आने वाली जो मेन मेन टॉपिक्स के अलावा भी हैं इंपॉर्टेंट वो टॉपिक को मैं कल इंशाल्लाह पूरा करवा सकूँ। प्रेशर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर या मॉइस्चर सेंसर है, नाम से शोर है, गैस सेंसर है, लाइट सेंसर है, स्ट्रीट लाइट्स कैसे ऑन ऑफ होती है, लाइट सेंसर लगा होता है कि जब डार्कनेस हो जाती है तो बल्ब ऑन हो जाते हैं स्ट्रीट लाइट, और जब सुबह सनराइज होता है तो फिर वो लाइट बंद हो जाती हैं। पीएच सेंसर, एसिडिटी या एसिडिक अल्कलाइन या फिर पल्यूशन चेक करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैंने कॉल मिलाई जैसे ही मेरा मोबाइल जाया कान के पास ये बंद हो जाएगा, ये गया कान के पास बंद हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे ही मोबाइल हटेगा लाइट आ जाएगी। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ लगा होता है और ये हमारे कान के पास जाके उससे पहले ही डिस्टेंस से ही हर्डल को डिटेक्ट करता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो होता है जो किसी हर्डल को दूर से डिटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देता है जरूरी अगर हिट हो। तो ये मोबाइल में होता है, गाड़ियों में होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कि बाहर कंट्रीज में गाड़ी चला रहे हैं आपने ऑटोमेटिक मोड पे कर दिया, अब गाड़ी चल रही ऑटोमेटिक, अगली गाड़ी ने ब्रेक मार दी, सामने को एनिमल आ गया, आपकी गाड़ी खुद बहुत ब्रेक ले लेगी, तो ये ज़रूर ज़रूर पढ़ना। अब आता है वापस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक काम करे विद दी हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड सेंसर्स, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होती, ठीक है। जैसे बताया था आपको मैं, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है इसके कंपोनेंट्स। सेंसर्स होते हैं सिस्टम में, ऑटोमेटिक सिस्टम में सेंसर्स लगे होते हैं, ADC लगा होता है, ADC क्या होता है अभी डिफाइन करूँगा मैं, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी लगा होता है और एक्चुएटर लगा होता है। एक्चुएटर क्या होता है अभी हम सब पढ़ेंगे। देखिए भाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दूं ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर और तकरीबन हर साल ही आता है। देखो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, एक दफ़ा आपने आंसर याद कर लिया हर तरह के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे आपके, सिर्फ थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू गोश्त, अरवी गोश्त, भिंडी गोश्त, पालक गोश्त, तकरीबन सबकी रेसिपी सेम होगी, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आंसर सबका तकरीबन एक जैसा होता है, माइनर से वर्ड्स या सेंसर्स के नाम चेंज करने पड़ते हैं। देखो भाई होता क्या है, लेट्स सपोज एग्जाम्पल वही दूंगा हाइपर स्टार वाली, कि हाइपर स्टार में गेट आप खुद जाते हैं करीब खुद ब खुद खुल जाता है। कैसे खुल जाता है, हाइपर स्टार के ऑटोमेटिक डोर के ऊपर जो यू स्लाइड में खुलता है उस डोर के ऊपर एक सेंसर लगा होता है, इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। वो सेंसर करता क्या है, इंफ्रारेड रेज फायर कर रहा होता है। अब वो सेंसर के साथ एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर। आगे एक मोटर लगी होती है जिसको हम कहते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है भी हम पढ़ते हैं, एक होता है ADC, एक होता है DAC, ये पूरे कंप्लीट पैकेज लगता है। ADC का काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना, DAC का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब मैं वॉक करता आ रहा हूँ हाइपर स्टार गेट की तरफ, मुझे गेट से एंटर होना है, गेट के अंदर जो गेट के ऊपर सेंसर लगा है वो रेस फायर कर रहा है और एक सेकंड में मोर देन 1000 टाइम रेस फायर कर रहा है और रेस जा जाके उसको रिस्पॉन्स कर रही हैं कि भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है, नो वन देयर, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर,
मैं वॉक करते करते गेट के पास पहुंच गया 4 फुट के फासले पे, वो रेस टकराई मुझसे और टकरा के बाउंस हो गई। सेंसर ने वो सिग्नल भेजा माइक्रो प्रोसेसर को कि भाई एक बंदा है बट 4 फुट का फासला है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पहले से एक वैल्यू स्टोर होती है जो हम खुद स्टोर करते हैं, जो वो सिस्टम लगवाता है। हाइपर का जो मालिक था उसने कहा भाई 3 फुट के फासले पे गेट खोलना है, उससे पहले मत खोलना। तो ये जो 3 फिट है ना, ये प्री स्टोर्ड वैल्यू कहलाएगी, ये पहले से वैल्यू स्टोर हुई है। तो मैं 4 फिट के फासले पे हूँ, सेंसर ने मुझ पे फायर किए, मतलब मुझ पे सिग्नल फायर किए और टकरा के बाउंस हुए। जाके बताया उसने माइक्रो प्रोसेसर को भाई कि 4 फिट के फासले पे, मगर मसला क्या होगा। सेंसर डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर को ये बात इन्फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सेंसर डाटा को सेंस करते हैं एनालॉग फॉर्म में और माइक्रो प्रोसेसर काम करता है डिजिटल फॉर्म में 0-1 के ऊपर। तो होगा क्या, सेंसर ने जो सिग्नल भेजा, एक बात और सुन लो, जो सेंसर आगे इन्फॉर्मेशन पास करता है उसको हम कहते हैं फीडबैक। जो सेंसर आगे इन्फॉर्मेशन पास करता है उसको हम कहते हैं फीडबैक। याद रखना फीडबैक, और बल्कि एग्जाम में फीडबैक का वर्ड यूज करना। वो फीडबैक गया एडीसी के पास, एडीसी ने उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया डिजिटल में और मूव कर दिया कंप्यूटर कंट्रोलर के पास, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने अपने अंदर रखे हुए पहले से स्टोर डाटा से उस फीडबैक को कंपेयर किया। प्रोसेसर के पास डाटा था 3 फिट और यहाँ पे फीडबैक गया 4 फिट, तो उसने कंपेयर किया कि मुझे गेट खोलना है या नहीं खोलना। गेट खोलना था 3 फिट या उससे कम के फासले पे, अभी है बंदा 4 फिट के फासले पे, तो प्रोसेसर इसको इग्नोर कर देगा। अब मैं चलता हुआ गया, मेरा अगला स्टेप गया 2.8 फिट के फासले पे, सारी बातें मेरा अगला स्टेप जाएगा आगे 1 फिट कम से कम तो आगे जाऊँगा ना मैं, तो मेरा गया 2.8 फिट के फासले पे। तो जैसे ही मैं विद इन रेंज आया, 3 फिट के अंदर की रेंज में आ गया, सेंसर ने फिर फीडबैक भेजा, सेंसर ने फिर फीडबैक भेजा कि भाई बंदा आ गया है 2.8 फिट के फासले पे। प्रोसेसर इसको कंपेयर करेगा अपनी प्री स्टोर्ड वैल्यू से कि 2.8 लेस देन है 3 फिट के, यस। तो फौरन डाटा आगे भेजा जाएगा एक्चुएटर को। एक्चुएटर वो पार्ट, वो डिवाइस होती है, एक्चुएटर वो पार्ट, वो डिवाइस होती है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर, आप जिस पर्पज़ के लिए सिस्टम लगाया गया है उस पर्पज़ को फुलफिल करवाती है। कोई मोटर होगी, कोई हाइड्रोलिक लीवर होगा, कोई ब्रेकर होगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होगी। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो अपना फाइनली आउटपुट, अपना फाइनली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं एक्चुएटर, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। यस बेटा, तो होगा क्या, जब कंप्यूटर का प्रोसेसर, जब प्रोसेसर चेक करेगा फीडबैक और प्री स्टोर्ड वैल्यू को कंपेयर करेगा कि भाई मुझे एक्शन लेना कब है, तो जब उसने देखा कि हाँ अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि बंदा है 2.8 फिट के फासले पे, मुझसे कहा गया था कि जब कोई भी पर्सन 3 या लेस देन 3 फिट के फासले पे हो तो गेट खुल जाना चाहिए, तो फौरन प्रोसेसर मोटर को सिग्नल भेजेगा। मोटर जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एक्चुएटर, कोई भी डिवाइस जो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा उसको हम कहते हैं एक्चुएटर, चाहे वो वॉल हो, कोई ऑक्सीजन का वॉल हो, हाइड्रोलिक लीवर हो, ट्रैफिक सिग्नल का स्विच हो, ऑक्सीजन सेंसर का ऑक्सीजन का वॉल हो, या फिर थर्मामीटर हो, सॉरी हीटर हो, एक्वेरियम में लगा हुआ, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटराइज सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराती है फाइनली, उसको हम कहते हैं एक्चुएटर। अब हुआ क्या, फौरन माइक्रो प्रोसेसर ने सिग्नल भेजा एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, मोटर है, यहाँ पे इस एग्जांपल में मोटर है। मोटर तो काम करती है करंट के ऊपर, अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट के ऊपर, और प्रोसेसर काम करता है डिजिटल के ऊपर। तो प्रोसेसर जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा मोटर को, मोटर उस डाटा को नहीं पढ़ पाएगी, तो फिर प्रोसेसर का आउटपुट, प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन पहले डीएससी से मूव होंगी। जी बेटा बिल्कुल, रयान ने पूछा सिग्नल एनालॉग फॉर्म में होगा, यस मैं बता तो रहा हूँ बार बार कि सेंसर जो है वो एनालॉग फॉर्म में डाटा सेंस करते हैं। प्रोसेसर ने सिग्नल भेजा एक्चुएटर को, एक्चुएटर है मोटर, एनालॉग करंट पे काम करेगी, अल्टरनेटिव करंट पे काम करेगी, और प्रोसेसर डाटा भेज रहा है डिजिटल फॉर्म में, तो फिर ये डाटा दोबारा रिकन्वर्ट होगा डिजिटल से एनालॉग में, तो उसके लिए डीएसी होता है। जिस तरह पहले सेंसर से एडीसी ने कन्वर्ट किया था एनालॉग को डिजिटल, अब प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन भेजेगा वो इंस्ट्रक्शन डिजिटल से पहले कन्वर्ट होंगी एनालॉग फॉर्म में। हमारा बेटा, मैं खाली आपको थोड़ी देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ ना।
कोई टॉपिक तुम्हारे लिए आसान होगा, एक कोई टॉपिक किसी और के लिए आसान होगा। सही है, होता अगला टॉपिक तुम्हें नहीं आता हो, किसी और के लिए आसान हो, तो मैं उस टॉपिक को थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं तो पूरे टॉपिक को एक साथ तुम्हें रिविजन करवा रहा हूँ। उसमें कुछ टॉपिक किसी के लिए बहुत आसान होंगे, किसी के लिए बहुत मुश्किल होंगे, तो सबको लेके चलना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो मोटर ऑन हो जाएगी और गेट खुल जाएगा। तो ये हमारा है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिया है उठा के पास पेपर से कि भाई कह रहा है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ऑटोमेटिक कैसे चलेंगी। तो मैंने इसका आंसर भी यहाँ दे दिया है। आंसर किसी और क्वेश्चन में भी आंसर यही हो सकता है, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई सेंसर सेंड करेगा सिग्नल डाटा, सिग्नल डाटा को मैं कह रहा हूँ फीडबैक टू द माइक्रो प्रोसेसर, बट माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो पहले सिग्नल या डाटा या फीडबैक पहले कन्वर्ट होगा ADC के थ्रू एनालॉग में डिजिटल में, फिर माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा वैल्यू को प्री स्टोर वैल्यू से। अगर वो वैल्यू मैच कर जाएगी तो सिग्नल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को, बट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर को, एक्चुएटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो फिर पहले वो DAC से मूव करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा डिजिटल टू एनालॉग, देन जाएगा मोटर के पास। ये मैं हमाद की स्पीच से पढ़ा रहा हूँ मैं इस टॉपिक को जनाब। तो ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो सिस्टम ऑन है। तो ये आंसर लाजमी, इस तरह तीन चार क्वेश्चन जो पिछले 2-4-5 साल में आए ना, लाजमी मैं कह रहा हूँ इनके आंसर्स को मार्किंग स्कीम से या पास पेपर से लाजमी लाजमी अच्छी तरह पढ़ लेना। ये टॉपिक समझो 99% एग्जाम में आता है, 1% मार्जिन छोड़ रहा हूँ मैं, नहीं आया तो बोलो सरने का था आता है, नहीं आया 99% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार ना। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी डिवाइस है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो पेपर पर प्रिंट करती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो स्क्रीन पर प्रिंट करती है। ठीक है, हार्ड कॉपी परमानेंट होता है, सॉफ्ट कॉपी टेम्प्रेरी होता है। हार्ड कॉपी पोर्टेबल होता है, सॉफ्ट कॉपी नॉन पोर्टेबल होता है। प्रिंटर की दो टाइप होती है, इम्पैक और नॉन इम्पैक। इम्पैक का मतलब वो प्रिंटर जिसमें स्ट्राइकिंग कंपलसरी होती है, कुछ अगर टकराती है तो प्रिंटिंग होती है, अदरवाइज प्रिंटिंग नहीं होती। नॉन इम्पैक्ट वो प्रिंटर्स की टाइप्स होते हैं जिसमें स्ट्राइकिंग कंपलसरी नहीं होती, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेज़र के जरिए प्रिंट हो रहा है, थर्मल यानी हीट के जरिए प्रिंट हो रहा है, LEDs के जरिए प्रिंट हो रहा है, इंक को स्प्रे करके प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, कैरेक्टर और लाइन। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस टॉपिक के यहाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है और पढ़ा चुका हूँ पहले बहुत दफ़ा। जो टॉपिक जो है जो मैंने बहुत ज़्यादा रिपीट करने आप बताने हैं वो भी आगे आएंगे, जो कि कल की क्लास में होगा इंशाल्लाह। तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं याद रखना। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर जो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, पास पेपर में देखे नहीं अब तक बेटा कि वो पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि लेज़र प्रिंटर, थर्मल बबल इंकजेट प्रिंटर। तो अगर लेज़र, पहले मुझे टॉपिक पढ़ाएं दो फिर क्वेश्चन देखेंगे इसके। इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप होती है, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर वो प्रिंटर होते हैं जो स्लो प्रिंटर होते हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो इतने फास्ट प्रिंटर होते थे पहले ज़माने में कि वो तेरी क्लास एंड होगी तुम्हारी 10 मिनट के बाद एंड होगी बेटा। मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, 10 मिनट के बाद क्लास एंड हो जाएगी, फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगा, तुम्हें नमाज़ पढ़नी तुम भी पढ़ लेना भाई। कैरेक्टर स्लो प्रिंटर होते हैं जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते थे। लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो पूरी पूरी लाइन एक साथ प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट वो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करते थे लेकिन वो स्पीड इतनी होती है, हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में जो इंपॉर्टेंट है ना वो है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एग्जाम में आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होता है जिसमें पेंस होती हैं बारीक बारीक, वो पेन जाके टकराती हैं रिबिन के ऊपर, रिबिन टकराती है पीछे पेपर के ऊपर, और वो पेन जो टकराती है इंक रिबिन पे, तो इंक रिबिन से उस पेन की डॉट का इमेज पीछे पेपर पे ट्रांसफर हो जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स को डॉट मैट्रिक्स कहते क्यों हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट डॉटेड फॉर्म में आता है। क्लियर, आप गूगल पे जाना, लिखना प्रिंट प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपको वहाँ एग्जाम्पल मिल जाएगी। डॉट मैट्रिक्स का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये एक तो लॉन्ग लाइफ होता है, दूसरी बात ये डस्ट या ऐसे डस्टी इन्वायरमेंट में भी काम करता है, तीसरी बात इसका जो रनिंग कॉस्ट है बहुत कम है। रनिंग कॉस्ट क्या होती है, प्रिंटर परचेस किया आपने 15,000 रुपये का, अब उसके बाद इसकी कॉस्ट बहुत कम है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी 300 रुपये की रिबन आती है, आपने रिबन ले ली 250-300 रुपये की। अब 250-300 की रिबन तकरीबन 2-2,500 प्रिंट आउट निकालेगी, 2-2,500 प्रिंट आउट निकालेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। डेजी व्हील एक डेजी फ्लावर का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में होता था, उस फ्लावर की तरह से प्लास्टिक का व्हील होता है। डेजी व्हील चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए डेजी व्हील को मैं स्किप कर रहा हूँ, खुद थोड़ा सा पढ़ लेना, बट ये डेजी व्हील एग्जाम में कभी भी नहीं आया। लाइन प्रिंटर में दो प्रिंटर होते हैं, चेन और ड्रम। चेन और ड्रम प्रिंटर भी कभी मैंने पास पेपर में नहीं देखे, पढ़ लेना हल्का फुल्का, पढ़ लेना हल्का फुल्का, लेकिन कभी पास पेपर में देखे नहीं मैंने। नॉन इम्पैक्ट में दो प्रिंटर जो हैं देखे मैंने, एक लेज़र प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के अंदर क्या होता है, लेज़र की बीम होती है, वो बीम फायर होती है। बीम का मतलब क्या होता है, 1000 of rays, वो बीम फायर होती है। उसके अंदर एक केमिकल होता है, लेज़र प्रिंटर में एक बारीक पाउडर होता है, पाउडर, वो पाउडर चार्ज हो जाता है लेज़र की वजह से, और पाउडर के पार्टिकल लेज़र की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू प्रिंट होता है। तो कभी एग्जाम में MCQs में है ना, मैच द फॉलोइंग आइटम्स, और उसमें कहीं लिखा हो लेज़र या चार्ज पाउडर, तो समझ जाना इसको लेज़र से मैच करना है। और इंकजेट में क्या होता है, एक कार्ट्रिज होती है, उसमें लिक्विड इंक भरी होती है, वो लिक्विड इंक स्प्रे हो रही होती है, और वो लिक्विड इंक के बबल्स, वो ड्रॉप्स जा रहे होते हैं टूवर्ड्स पेपर, और वो ड्रॉप भी चार्ज होते हैं, किसी ड्रॉप पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैच द फॉलोइंग में बबल्स, ड्रॉपलेट्स, थर्मल बबल्स का एग्जाम में आए पॉइंट, तो इट मीन्स वो इंकजेट से मैच करेगा, और अगर लेज़र या पाउडर की एग्जाम्पल आ रही है तो वो मैच करेगा लेज़र प्रिंटर से, ठीक है। 3D पढ़ लेना एक दफ़ा, और थर्मल पढ़ लेना। 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं, थर्मल वो होते हैं जो हीट पे काम करते हैं, जैसे इम्तियाज का जो बिल निकलता है वो थर्मल पे निकलता है, ATM से बिल निकलता है थर्मल पे निकलता है, क्या क्रेडिट कार्ड का जो बिल निकलता है वो थर्मल पे निकलता है। कभी देखना इम्तियाज का बिल हल्का सा गर्म हो रहा होता है, क्यों, थर्मल प्रिंटर पे काम करता है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, हीट टेक्नोलॉजी काम करने वाला। बेटा सबा, लेज़र प्रिंटर में इंक चार्ज नहीं होती, इसका पाउडर रिफिल होता है। वैसे तो बाहर कंट्रीज में नया नया पूरा वो मिलता है टोनर, बेटा नया टोनर यूज़ होता है बाहर कंट्रीज में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, हम 200 रुपये दे के रिफ़िल करवा लेते हैं। तुम्हारा जो स्कूल का फी वाउचर निकलता है ना, वो उस पर निकलता है लेज़र जेट पे, लेज़र जेट पे निकलता है, और उसमें हम 200-250 रुपये का रिफिल, तुम्हारे रिजल्ट निकलता है रिजल्ट, वो भी लेज़र जेट पे निकलता है, तो उसमें भी वो 200-250 हम प्रिंटर रिफ़िल करवा लेते हैं। पाउडर मिलता है मार्केट में, वो आप जाएँ कंप्यूटर शॉप पे, वो टोनर खोल के उसमें पाउडर भर देंगे, और उसके बाद प्रिंटर आपका फिर वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। जनाब अली, 3D प्रिंटर समझ लो, उसका क्लास स्टॉप करता हूँ। 3D प्रिंटर क्या होता है, ये मोल्टन प्लास्टिक या मोल्टन फाइबर होता है 3D प्रिंटर में। हाँ बेटा, डेफिनेशन इस तरह आती है, मैच द फॉलोइंग आइटम में, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और दो कॉलम बने होते हैं, यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेफिनेशन मैच करना होता है। कॉन्सेप्ट होगा मैच कर लोगे, डेफिनेशन लिखने को आम तो नहीं आती। हाँ, इनके एडवांटेजेस आ जाते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो वो पास पेपर में कुछ क्वेश्चन दिए वहाँ से भी पढ़ लेना, बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए। जनाब अली, 3D प्रिंटर क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था, पीछे वापस जा रहा हूँ, कि एक एनिमल था जिसको स्कैन किया जा रहा था 360 एंगल से। ये मुझे प्रिंट, इसका मुझे मॉडल बनाना है, ये मुझे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो मैंने ये मॉडल लिया, स्कैन कर लिया, अब मैं इसको 3D प्रिंटर से फॉर्म करूँगा, बनाऊँगा। 3D प्रिंटर में क्या होता है, डिफरेंट शेप्स होते हैं 3D प्रिंटर में, तो मैं दिखाता हूँ शायद मैं तुम्हें काम करता हूँ, मैं 3D प्रिंटर फटाफट तुम लोगों को जाके नेट पे दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे दिख जाएगा 3D प्रिंटर, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को मेरे साथ रहना, क्लास एंड होने वाली है। 3D प्रिंटर वर्किंग वीडियोस, more than a century, the products we design have been constrained by the capabilities of processes such as
तुम लोग दिख रहा है 3D प्रिंटर काम करता हुआ? ऐसे जो है ना 3D प्रिंटर डिफरेंट शेप का होता है, उसमें मेल्ट हुआ हुआ फाइबर होता है, मेल्ट हुआ प्लास्टिक होता है, मोल्टन कॉपर होता है, उससे ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बनाता है। ये जो प्रिंट कर रहा है ना पूरा ऑब्जेक्ट बना लेगा ये बैठ के अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3D प्रिंटर है, तुम लोग इसको देख सकते हो। ये 3D प्रिंटर तुम्हारे पास आ गया। जी जना वापस आते हैं। तो ये हमारा 3D प्रिंटर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका जो है मॉडलिंग होती है। क्या आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, मुझे की चेन बनाने बहुत सारे, जिसमें मुझे देना है फॉर एग्जांपल बहरिया आइकॉन जो है, या मुझे पाकिस्तान का, ठीक है, मीनार पाकिस्तान के मुझे की चेन बनाने छोटे छोटे, तो मुझे प्लास्टिक की मॉडल बनाने, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिखाई मैंने, तो ये 3D प्रिंटर्स करता है। 3D प्रिंटर्स कोई पेपर और प्रिंटिंग नहीं करता, बल्कि मोल्टन फाइबर होता है, मोल्टन प्लास्टिक होता है, उससे मॉडलिंग करता है, छोटे छोटे कोई मॉडल बनाता है, स्टफ बनाता है। तो ये लाजमी, और ज़्यादा देखना है तो जाकर देख लेना नेट पे देख लेना, वहाँ बेशुमार 3D प्रिंटर्स रखे हुए। यहाँ क्लास स्टॉप कर रहा हूँ। यस तैयारी, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बेटा, जल्दी बताओ मुझे, मीटिंग एंड हो जाएगी। तहरीम क्वेश्चन पूछो बेटा जल्दी। ओके माइक तुम लोग ऑन कर रहा हूं मैं। तहरीम माइक ऑन कर लो अपना। सर अस्सलाम वालेकुम, सर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में तुम्हारी आवाज ही सही नहीं आ रही सर, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, लॉजिक वो कल की क्लास में है ना, कल जो है, कल हमारा लॉजिक गेट है, ट्रांसमिशन है, सिक्योरिटी है, एथिक्स है। कल की क्लास में सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, लॉजिक गेट भी कवर कराऊंगा उसमें, ठीक है सर। जी बेटा पैरिटी वाला सब कराऊं कल, कल की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, और कल की हमारी सुबह क्लास। जी बेटा सर वो HTML की कलर कोडिंग होती है ना, करा दूंगा कभी कभार आती है एग्जाम में, करा दूंगा एक आध क्वेश्चन करा दूंगा पास पेपर से। पेपर टू नहीं आता बेटा, मुने पेपर टू नहीं आता चंदा, पेपर वन आएगा खाली। ये कौन बच्चा है जो पूछ रहा है कल पेपर वन या पेपर टू? अभी मुझसे पूछ रहा था कि PRM आएगा। हाँ PRM आएगा बेटा, PRM तुमने किया नहीं नया PRM? तुम्हें तो बेटा मैं सेंटर आके तुम्हारी पिटाई लाऊंगा। कल बेटा पेपर वन नहीं है, परसों पेपर वन है, पेपर टू तो मंगल को है। पेपर टू तुम्हारा ट्यूसडे को है, 5 तारीख को, 3 तारीख को, पेपर टू तुम्हारा जो है पेपर वन जो है तुम्हारा 2 तारीख को है। सर पेपर टू का कौन लगा? ये जो पूछ रहे हैं उनको जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, खत्म करें क्लास को, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास होगी कल मैं जल्दी कोशिश करूंगा। बेटा ये अपनी फैमिली के पास से हट जाओ, आवाज़ें आ रही हैं अजीब सी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।